डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू बेटा? पिछली रिवीजन क्लासेस के अंदर अपन ने अवकलन पर आधारित कुछ प्रश्न हल किए थे। आज अपन सांतत्य और अवकलनीयता पर आधारित प्रश्न हल करेंगे। इसमें से एक दो नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अपन हल करें। तो उसके लिए पहले थोड़ा सा सांतत्य के बारे में अपन डिस्कस कर लें कि एक फलन अक्ष बराबर ए पर संतत फलन कहलाता है यदि एफ ए बराबर एफ ए प्लस जीरो बराबर एफ ए माइनस जीरो हो, जहां एफ ए अक्ष बराबर ए पर फलन का मान होता है। इसी प्रकार से एफ ए प्लस जीरो अक्ष बराबर ए पर फलन की दाईं सीमा होती है और एफ ए माइनस जीरो अक्ष बराबर ए पर फलन की बाईं सीमा होती है। हम दाईं सीमा का जो मान निकालते हैं एफ ए प्लस जीरो, वो बराबर होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच। इसी प्रकार बाईं सीमा पर निकालते हैं एफ ए माइनस जीरो बराबर होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच। तो एक तीसरा उदाहरण है कि यदि एफ अक्ष बराबर e की घात एक बटा अक्ष बटा एक प्लस e की घात एक बटा अक्ष, जब अक्ष का मान जीरो के बराबर नहीं है, या तो अक्ष का मान जीरो से कम है या अक्ष का मान जीरो से अधिक है, और एफ अक्ष का मान जीरो है यदि अक्ष का मान जीरो के बराबर है। आपको अक्ष बराबर जीरो पर इसकी सांतत्य की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम एफ जीरो अक्ष बराबर ए या अक्ष बराबर कितना जीरो, तो एफ ए की जगह अपन क्या ज्ञात करेंगे, एफ जीरो ज्ञात करेंगे। और एफ जीरो का मान आपको दे रखा है कि अक्ष बराबर जीरो पर फलन का मान कितना जीरो, तो एफ जीरो का मान तो ए हो गया। फिर हम इसकी दाईं सीमा एफ ए प्लस जीरो ज्ञात करें, जहां ए की जगह जीरो है, तो क्या हो जाएगा, एफ जीरो प्लस जीरो बराबर होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, या बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो अक्ष की जगह जीरो प्लस एच, यानी एच यदि हम रखेंगे तो ये मान हो जाएगा ई की घात एक बटा एच बटा एक प्लस ई की घात एक बटा एच, या बराबर मान हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो। यदि एच को अपन यहाँ नेगलेक्ट करेंगे ई की घात एक बटा जीरो ई की घात अनंत, और ई की घात अनंत का जो मान वो क्या हो जाएगा, अनंत होगा। तो ये अनिर्धारित रूप प्राप्त हो रहा है। इस अनिर्धारित रूप को खत्म करने के लिए हम इसके अंश और हर में ई की घात एक बटा एच का यदि भाग दे दें, तो इसमें जब आप ई की घात एक बटा एच का भाग दोगे मान एक हो गया, और यहां जब आप ई की घात एक बटा एच का भाग दोगे ये मान हो जाएगा एक बटा ई की घात एक बटा एच, और इसमें भाग दोगे तो मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। जब एच टेंस टू जीरो अपन रखेंगे तो ये मान क्या होगा, एक बटा अनंत बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसकी सीमा का मान जब रखा तो मान आ गया एक बटा जीरो प्लस एक बराबर मान क्या जाएगा, एक। ये तो आपको प्राप्त हो गई इसकी दाई सीमा का मान। इसके बाद इसकी बाई सीमा जब अपन ज्ञात करें, बाईं सीमा होती है एफ ए माइनस जीरो, एक की जगह आपके पास जीरो है तो जीरो माइनस जीरो बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच। अब हम दिए गए फलन में अक्ष की जगह यदि माइनस एच रखेंगे तो बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एच बटा एक प्लस ई की घात माइनस एक बटा एच, कि जहाँ भी अक्ष था उस अक्ष की जगह यदि हम माइनस एच रख दें, और चूँकि ई की घात माइनस एक बटा एच का जो मान होता है वो क्या होता है, जीरो। तो इसका जो मान अपन ज्ञात करेंगे वो मान क्या जाएगा, तो बराबर ये मान हो जाएगा यहाँ इस ई की घात माइनस एक बटा एच मान जीरो हो गया, एक प्लस जीरो बराबर मान क्या होगा, जीरो। तो आप देख रहे हैं इसकी दाईं सीमा का जो मान है वो एक है, इसकी बाईं सीमा का जो मान है वो जीरो है, इसी प्रकार फलन का जो मान है वो जीरो है। तो चूँकि फलन एफ ऑफ जीरो का मान और इसकी बाईं सीमा का मान तो समान है, लेकिन इसकी दाईं सीमा का मान वो समान नहीं है, और जब दाईं सीमा बाईं सीमा और फलन तीनों का मान समान होता है तो फलन संतत फलन होता है, जबकि यहाँ इसकी दाईं सीमा का मान बाईं सीमा और फलन के मान के बराबर नहीं है, तो अपन कह सकते हैं कि दिया गया फलन अक्ष बराबर जीरो पर संतत नहीं है। ये तो जाएगा आपका तीसरा उदाहरण। इसके बाद बेटा पांचवा जो उदाहरण है आपका, उसके अंदर एक फलन अपन को दे रखा है और ये भी कहा गया है कि वो फलन है वो संतत फलन भी है, और वहाँ कोई कांस्टेंट है सी है, उस सी का मान हमें ज्ञात करना है। कि पांचवा जो उदाहरण है उस पांचवे उदाहरण के अंदर आपको एक फलन दे रखा है एफ एक्स बराबर एक माइनस कोस एक माइनस कोस सी एक्स बटा एक्स इंटू साइन एक्स, इसका मान जीरो के बराबर
है और एक बटा दो जब अक्ष का मान जीरो के बराबर है। आपको ये कहा गया कि ये जो फलन है ये अक्ष बराबर जीरो पर अगर संतत है तो हमें सी का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि ये फलन है वो अक्ष बराबर जीरो पर एक संतत फलन है, अगर ये संतत फलन होगा तो अक्ष बराबर जीरो पर फलन का मान, अक्ष बराबर जीरो पर फलन की दाईं सीमा और अक्ष बराबर जीरो पर फलन की बाईं सीमा, ये तीनों समान होंगे। तो यदि हम यहाँ ज्ञात करें एफ जीरो का मान जो आपको दे रखा है कि अक्ष बराबर जीरो पर फलन का जो मान है वो कितना, एक बटा दो, तो एफ जीरो का मान तो एक बटा दो गया। इसके बाद यदि हम इसकी दाईं सीमा निकालें तो दाईं सीमा एफ जीरो प्लस जीरो बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच। अब एफ जीरो प्लस एच के लिए हम दिए गए फलन में जहाँ भी अक्ष उस अक्ष की जगह जीरो प्लस एच यानी एच यदि रख दें तो बराबर ये मान आपका हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एक माइनस कोस सी अक्ष अक्ष की जगह एच रख दिया बटा अक्ष इस अक्ष की जगह एच रख दिया इंटू साइन अक्ष इस अक्ष की जगह भी एच रख दिया, तो मान हमें प्राप्त हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो एक माइनस कोस सी एच बटा एच इंटू साइन एच। और चूंकि हमें ये ज्ञात है कि एक माइनस कोस दो अक्ष बराबर होता है दो साइन स्क्वायर अक्ष, तो इस मान एक माइनस कोस सी एच की जगह अपन क्या रख देंगे स्क्वायर एच बटा दो रख देंगे, तो बराबर ये मान आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो दो साइन स्क्वायर सी एच बटा दो बटा हर में मान आप साइन एच, कि एक माइनस कोस सी एच बराबर क्या हो जाएगा दो साइन स्क्वायर एच बटा दो, एच की जगह क्या आपके पास सी एच है, तो एक माइनस दो साइन स्क्वायर सी एच बटा दो बटा एच इंटू साइन एच बराबर ये बान हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो दो इंटू साइन सी एच बटा दो इंटू साइन सी एच बटा दो, साइन स्क्वायर था इसको दो बार गुणनफल के रूप में लिख दिया साइन सी एच बटा दो इंटू साइन सी एच बटा दो बटा एच की जगह एच इंटू साइन एच। अब ये जो मान है इसके अंदर हम सी एच बटा दो का भाग दे दें, इसमें भी सी एच बटा दो का भाग दे दें तो हर में भी सी एच बटा दो से गुणा भी करेंगे और ऐसे ही क्या करेंगे इसमें एच का भाग दे देंगे एच से इसको गुणा करेंगे, तो आपका जो मान है वो प्राप्त हो जाए एच टेंस टू जीरो दो लिख दिया, ये आपका साइन सी एच बटा दो इसमें सी एच बटा दो का भाग दे दिया, आगे भी साइन सी एच बटा दो है इसमें सी एच बटा दो का भाग दे दिया, और जब हमने सी एच बटा दो का भाग दिया सी एच बटा दो का तो सी स्क्वायर एच स्क्वायर बटे चार इससे गुणा कर दो इसको सी स्क्वायर एच स्क्वायर बटे चार, हर में मान एच है इंटू साइन एच है इसमें एच का भाग दिया एच से इसको गुणा किया तो ये क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, इसका मान एक हो जाएगा, ये मान एक हो जाएगा आपका एच स्क्वायर से आपका एच स्क्वायर कट जाएगा और दो से आपका चार को काटेंगे दो बार और एच से एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया और यहाँ दो बार कट जाएगा, तो दाईं सीमा का जो मान बेटा वो क्या आ जाएगा सी स्क्वायर बटे दो आ जाएगा, फलन का मान एक बटा दो आया, मान सी स्क्वायर बटा दो आया और हमें ये कहा गया कि ये फलन अक्ष बराबर जीरो पर संतत है, कि दिया गया जो फलन है वो अक्ष बराबर जीरो पर संतत है चूँकि एफ अक्ष अक्ष बराबर जीरो पर संतत है, यदि ये अक्ष बराबर जीरो पर संतत है तो एफ ऑफ जीरो का मान और इसकी दाईं सीमा का मान क्या होगा समान होगा, तो एफ ऑफ जीरो का मान कितना आपके पास एक बटा दो, एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो का मान कितना रहा सी स्क्वायर बटा दो, तो दो से तो ये दो कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा सी स्क्वायर बराबर एक और वर्गमूल यदि कर देंगे तो सी बराबर मान के आ जाएगा प्लस माइनस एक, तो ये फलन संतत फलन यदि होगा तो सी का जो मान है वो आपको कितना प्राप्त प्लस माइनस एक प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद 6.2 के अंदर प्रश्न है, इसके अंदर एक कोई कांस्टेंट मान अपन याद करना है जहाँ फलन का जो मान है आपका कि 6.1 का तीसरा प्रश्न, और इस तीसरे प्रश्न के अंदर एक फलन दे रखा है हमें कि यदि एफ अक्ष बराबर क्यूब प्लस अक्ष स्क्वायर माइनस 16 अक्ष प्लस 20 बटे
एक्स माइनस दो का होल स्क्वायर यदि मान है वो दो के बराबर नहीं है, कि एक्स का मान दो के बराबर और फलन का मान के है, यदि एक्स का मान है वो दो के बराबर है, यदि ये फलन एक्स अंतत है तो बेटा के का मान ज्ञात करें। अगर ये फलन अक्ष बराबर दो पर संतत होगा तो अक्ष बराबर दो पर फलन का मान एफ दो, अक्ष बराबर दो पर फलन की दाई सीमा एफ दो प्लस जीरो, अक्ष बराबर दो पर फलन की बाई सीमा एफ दो माइनस जीरो का मान समान होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो अपन ज्ञात कर लें एफ दो का मान, और अक्ष बराबर दो पर फलन का मान कितना दे रखा है हमें, के दे रखा है, तो एफ दो का तो मान कितना हो जाएगा बेटा, के हो जाएगा। फिर दाई सीमा निकालें जो होती है एफ ए प्लस जीरो, ए की जगह जीरो है तो दो प्लस जीरो बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच, ए की जगह दो है तो क्या हो जाएगा एफ दो प्लस एच। अब इस एफ दो प्लस एच का मान ज्ञात करने के लिए इस फलन के अंदर जहां भी अक्ष है उस अक्ष की जगह अपन क्या रखेंगे, दो प्लस एच रखेंगे, तो बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो दो प्लस एच का होल क्यूब प्लस दो प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 16 इंटू दो प्लस एच और प्लस का 20 बटा हर में मान है अक्स माइनस दो, अक्स की जगह हमने रखा दो प्लस एच माइनस दो का होल स्क्वायर। ये प्लस का दो है, ये माइनस का दो है, ये दो से तो दो कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद इस मान को जब अपन खोलें तो इस मान को जब अपन खोलेंगे तो बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब ए की जगह दो है दो का क्यूब करेंगे आठ, प्लस बी क्यूब बी की जगह एच है इसका क्यूब करेंगे एच क्यूब, प्लस तीन बी तो तीन गुणा ए का मान दो स्क्वायर करेंगे चार इंटू बी का मान एच, प्लस तीन ए बी स्क्वायर तो तीन गुणा ए की जगह दो बी का मान एच तो उसका एच स्क्वायर। इसी प्रकार से इसका होल स्क्वायर को लेंगे ए स्क्वायर चार प्लस बी स्क्वायर की जगह एच स्क्वायर प्लस दो ए बी हो जाएगा चार एच, इसको गुणा करेंगे तो ये मान माइनस का 16 को 2 से गुणा कर दिया 32, माइनस 16 को एच से गुणा करेंगे माइनस 16 एच, प्लस का 20 और बटा हर में आपके पास मान बच रहा है एच स्क्वायर, या बराबर ये मान हो जाएगा आपका एफ जीरो प्लस जीरो बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो आठ प्लस एच की घात तीन, आठ प्लस एच की घात तीन, इसको गुणा करोगे चार तीये बारह एच, अगले पद के अंदर तीन को दो से गुणा करेंगे तो आ जाएगा छः एच स्क्वायर, फिर आगे बाद आपके पास चार प्लस का एच स्क्वायर माइनस का चार एच माइनस माइनस का 16 एच प्लस 20 और बटा हर में मान है एच स्क्वायर। यहाँ संख्यात्मक मान में यदि अपन देखें तो संख्या के अंदर मान आपके पास 8, 8 और 4 12, 12 और 20 32 और ये माइनस का 32 तो ये तो संख्यात्मक मान तो कैंसिल हो गया। इसी प्रकार से 12 एच ये आपका 12 एच है, ये आपका प्लस का 4 एच है तो 12 एच और 4 एच कितने हो जाएंगे 16 एच, ये माइनस का 16 एच है ये भी आपका कैंसिल हो गया, 6 एच स्क्वायर और एच स्क्वायर कितने हो जाएंगे 7 एच स्क्वायर, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो 7 एच स्क्वायर और प्लस आपके पास मान बच रहा है एच की घात तीन, एक तो एच की घात तीन बच गया, एक 6 एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 एच स्क्वायर बटा हर में मान एच स्क्वायर, तो बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो ये जो मान है आपका 7 एच स्क्वायर प्लस एच की घात तीन, इसमें से यदि हम एच स्क्वायर कॉमन ले लें तो जब एच स्क्वायर कॉमन लिया तो मान बचा 7 प्लस एच बटा हर में मान है एच स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच कैंसिल हो गया और एच टेंस टू जीरो जब इसको नेगलेक्ट करेंगे तो इसकी दाई सीमा का मान क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब चूंकि हमें यह कहा गया कि ये फलन अक्ष बराबर दो पर संतत है, अक्ष बराबर दो पर संतत है, अगर ये संतत है तो एफ दो का मान और इसकी दाई सीमा एफ दो प्लस जीरो का मान समान होगा, और ये मान जब समान होंगे तो मान रखो एफ दो का मान तो आपके पास के है, एफ दो प्लस जीरो यानी इसकी दाई सीमा का मान क्या निकाला हमने 7 निकाला है, तो के का जो मान है वो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 7, की अगर ये फलन
कि x की घात m इंटू साइन एक बटा x, कि यदि एफ एक्स से बराबर एक्स की घात एम इंटू साइन एक बटा एक्स, जब एक्स का मान जीरो के बराबर नहीं है और एफ एक्स का मान जीरो जब एक्स का मान जीरो के बराबर है, यदि ये फलन एक्स बराबर जीरो पर संतत है तो एम का मान क्या होगा। कि एग्जाम्पल नंबर सात में फलन दे रखा है आपको कि एफ एक्स बराबर एक्स की घात एम इंटू साइन ए, जब एक्स का मान जीरो के बराबर नहीं है और जीरो जब एक्स का मान जीरो के बराबर है। यदि ये फलन एक्स बराबर जीरो पर संतत फलन है तो एम का मान ज्ञात कीजिए। तो चूंकि एक्स बराबर जीरो पर अपन जांच करें तो पहले एफ ऑफ जीरो ज्ञात करें, यानी एक्स बराबर जीरो पर फलन का मान, और वो मान कितना दे रखा है हमें, जीरो दे रखा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इसकी दाई सीमा का मान निकालेंगे, और दाई सीमा किससे निकलेगी, एफ ए प्लस जीरो से, ए की जगह क्या आपके पास जीरो, तो जीरो प्लस जीरो बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, या बराबर ये बान हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू जीरो एक्स की जगह एच में रखेंगे तो एच की घात एम इंटू साइन एक बटा, ये बान आ गया। अब इसका मान जब अपन निकालें तो एम का क्या मान होना चाहिए अपने पास, तो यहाँ देखिए कि यदि हम एम लेस देन जीरो लें, तो जब एम लेस देन जीरो यदि लेंगे, एम का मान जीरो से कम यदि होगा, तो इसका एच की घात एम का जो मान वो क्या होगा, अनंत हो जाएगा, जो कि परिमित मान नहीं होगा। यदि एम इक्वल टू जीरो अपन लेंगे तो एम इक्वल टू जीरो, जब इसके अंदर हम एम की जगह जीरो रखेंगे, एच की घात जीरो का मान एक, तो ये साइन एक बटा एच होगा, साइन एक बटा एच एक परिमित मान होगा जो माइनस वन और प्लस वन के मध्य होगा, क्योंकि एफ ऑफ जीरो का मान जीरो तो ये संतत फलन नहीं होगा। यदि हम एम ग्रेटर देन जीरो लें, जीरो से बड़ा मान एक दो तीन चार पाँच इनमें से कोई भी मान यदि अपन लें, तो ये एच की घात के रूप में मान आएगा, और एच टेंस टू जीरो पे वो मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बराबर ये मान होगा जीरो इंटू एक परिमित मान जो माइनस वन और प्लस वन सम्मिलित अंतराल के अंदर होगा, और जीरो से इसको गुणा करेंगे तो ये मान जीरो आएगा, जहाँ कंडीशन हो जाएगी एम ग्रेटर देन जीरो। फिर हम इसकी बाई सीमा का मान निकालें तो बाई सीमा होगी एफ ऑफ जीरो माइनस जीरो बराबर लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच। अब हम दिए गए फलन में अक्स की जगह यदि माइनस एच अपन इसके अंदर रख दें तो बराबर ये बान हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच की घात एम इंटू साइन माइनस एक बटा एच। जब माइनस एच की घात एम इंटू साइन एक बटा एच यदि है, तो इस मान को अपन लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एक इंटू एच की घात एम, माइनस एच की घात एम है जिसको हम लिख सकते हैं माइनस वन इंटू एच की घात एम। इसी प्रकार से ये जो मान आपका ये मान हो जाएगा साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो साइन एक बटा एच, माइनस निशान पहले आ जाएगा, तो बराबर यह मान आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस वन की घात एम घात इंटू एच की घात एम इंटू साइन एक बटा एच। अब वही कंडीशन यहाँ लगेंगी कि यदि हम एम की जगह मान जीरो से कम लेंगे तो अनंत हो जाएगा, और यदि हम m इक्वल टू जीरो लेंगे तो h की घात जीरो का मान एक हो जाएगा, और यदि हम m ग्रेटर देन जीरो लेंगे तो h की जो भी घात होगी उसका मान क्या होगा, जीरो। तो बराबर यहाँ मान आ जाएगा माइनस वन की घात m प्लस वन इंटू जीरो इंटू एक परिमित मान जो माइनस वन प्लस वन सम्मिलित अंतराल के अंदर होगा, और जीरो से जब ये मान गुणा होगा तो बराबर ये मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कब होगा, जब m ग्रेटर देन जीरो। तो आप देख रहे हैं कि इस फलन का मान, इसकी दाई सीमा का मान, इसकी बाई सीमा का मान समान आ रहा है, कि ये तीनों मान समान आ रहे हैं, एफ जीरो का मान, एफ जीरो प्लस जीरो का मान, एफ जीरो माइनस जीरो का मान, और ये समान आ रहे हैं। तो ये संतत कब है, जब m ग्रेटर देन जीरो की, अगर m का मान जीरो से बड़ा होगा तो दिया गया जो फलन है वो x बराबर जीरो पर एक संतत फलन आपको प्राप्त होगा। इसके हम अवकलनीयता पर कुछ प्रश्न, तो जैसे
अवकलनीयता के बारे में यदि अपन देखें, एक फलन पर जीरो पर अवकलनीय फलन कहलाता है यदि उसका दायां अवकलज और बायां अवकलज समान हो और परिमित रूप से विद्यमान हो, कि कोई भी एक फलन एफ अक्ष है वो अक्ष बराबर ए पर अवकलनीय कहलाता है, अवकलनीय होता है यदि एफ डेस ए प्लस जीरो बराबर एफ डेस ए माइनस जीरो और वो परिमित रूप से विद्यमान हो, परिमित रूप से विद्यमान हो, तब तो दिया गया फलन अवकलनीय फलन कहलाता है। जहाँ दायां अवकलज एफ डेस ए प्लस जीरो बराबर होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा एच, और इसी प्रकार से बायां अवकलज एफ डेस ए माइनस जीरो बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बटा माइनस एच, अवकलज हो जाएगा, ये बायां अवकलज हो जाएगा। और ये दोनों अवकलज यदि समान हो, दिया गया जो फलन है वो क्या होगा, एक अवकलनीय फलन होगा। तो इस अवकलनीयता पर कुछ प्रश्न यदि अपन हल करें तो उनमें से एक फलन आपको दे रखा है जिसके अवकलनीयता की जांच हमें करनी है। तो नौवां उदाहरण जो है वो दे रखा है आपको कि यदि एफ अक्ष बराबर अक्स स्क्वायर इंटू ई की घात एक बटा अक्स माइनस ई की घात एक बटा अक्स बटा ई की घात एक बटा अक्स प्लस ई की घात माइनस एक बटा अक्स, कब, जब अक्स का मान जीरो के बराबर नहीं है, और अक्स बराबर जीरो जब अक्स का मान जीरो के बराबर है। यदि ये फलन अक्ष बराबर जीरो पर संतत है तो इसकी अवकलनीयता की जांच करो। तो इसकी अवकलनीयता की जांच करने के लिए सबसे पहले तो अपन क्या ज्ञात करें, अक्ष बराबर जीरो पर करें तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एफ जीरो का मान निकालेंगे। और एफ जीरो का मान कितना दे रखा है आपको, जीरो, कि एफ जीरो का मान आपको जीरो दे रखा है। फिर दायां अवकलज जब हम निकालें एफ डेस ए प्लस जीरो, ए की जगह क्या आपके पास जीरो, तो जीरो प्लस जीरो बराबर एच टेंस जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो बटा एच, या बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब ये जो मान है एफ ऑफ जीरो प्लस एच यानी एफ एच, इस एफ एच के लिए ये फलन जो आपको दे रखा है इसमें जहाँ भी अक्ष है उस अक्ष की जगह अपन क्या रखेंगे, एच रखेंगे। तो यह मान हो गया आपका एच स्क्वायर इंटू ई की घात एक बटा एच माइनस ई की घात माइनस एक बटा एच बटा ई की घात प्लस एक बटा एच प्लस ई की घात माइनस एक बटा एच माइनस एफ जीरो, एफ जीरो का मान कितना निकाला हमने, जीरो, तो उसकी जगह जीरो रख दो और बटा हर में मान क्या आपका एच। तो ये तो मान आपका जीरो है, ये एच इस एच से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आपके पास मान आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एच इंटू ई की घात एक बटा एच माइनस ई की घात माइनस एक बटा एच बटा ई की घात एक बटा एच प्लस ई की घात माइनस एक बटा एच। जब हम एच को नेग्लेक्ट करेंगे तो यहाँ ये आपको एक अनिर्धारित रूप प्राप्त होगा और इस अनिर्धारित रूप को ख़त्म करने के लिए इसके अंश और हर में हम ई की घात एक बटा एच का भाग दे दें। तो जब ई की घात एक बटा एच का भाग हम यहाँ देंगे तो ये मान होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एच इंटू एक प्लस ई की घात माइनस दो बटा एच बटा एक प्लस ई की घात माइनस दो बटा एच, यहाँ तो मान होगा एक माइनस ई की घात माइनस दो बटा एच और हर में मान हो जाएगा एक प्लस ई की घात माइनस दो बटा एच। इसमें ई की घात एक बटा एच का भाग दिया एक, इसमें भाग देंगे तो ई की घात माइनस दो बटा एच, ऐसे ये मान एक हो जाएगा, ये मान ई की घात माइनस दो बटा एच, कि जैसे हमने इसमें भाग दिया ये मान था आपका ई की घात माइनस एक बटा एच और इसी का भाग दिया हमने ई की घात एक बटा एच का, तो क्या होगा ई की घात माइनस एक बटा एच इंटू ई की घात माइनस एक बटा एच और गुणा में घात जुड़ेंगे तो आपका ये मान क्या जाएगा ई की घात माइनस दो बटा एच। और जब हम एच टेंस टू जीरो यदि रखेंगे तो इस मान को हम लिख सकते हैं इस रूप में ई की घात बटा ई की घात एक बटा ई की घात दो बटा एच और एस टेंस टू जीरो जब आप इसके अंदर लें तो ये मान क्या होगा एक बटा अनंत बराबर मान,
तो ये जो मान है आपका, इसकी जगह मान क्या प्राप्त होगा आपको, जीरो प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मान जब हम जीरो रखेंगे तो बराबर मान प्राप्त हो जाएगा जीरो इंटू एक माइनस जीरो बटा एक प्लस जीरो, और जीरो से गुणा हो रहा है तो बराबर ये मान क्या आ जाएगा, जीरो। ये तो आप प्राप्त हो जाएगा इसका दायां अवकलज। अब हम इसका बायां अवकलज ज्ञात करें तो बायां अवकलज होता है एफ डेस ए माइनस जीरो, एक ही जगह जीरो तो जीरो माइनस जीरो, बराबर लिमिट है एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो बटा माइनस एच। अब हम इस मान के लिए दिए गए फलन में अक्स की जगह क्या रख दें, माइनस एच रख दें। तो अक्स की जगह जब हम माइनस एच रखेंगे ये मान हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच का स्क्वायर किया तो एच स्क्वायर इंटू ए की घात माइनस एक बटा एच माइनस ए की घात, अक्स की जगह माइनस एच रखोगे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ए की घात एक बटा एच, ऐसे यार में ए की घात माइनस एक बटा एच, ये मान प्लस ए की घात माइनस माइनस प्लस का एच तो एक बटा एच, एफ जीरो का मान जीरो आपके पास और बटा एच। फिर ये तो मान जीरो हो गया आपका, ये जो बचा हुआ मान इसमें फिर एच स्क्वायर में हम एच का भाग देंगे तो मान क्या होगा एच, तो बराबर आपको मान प्राप्त हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो एच इंटू ए की घात माइनस एक बटा एच माइनस ए की घात एक बटा एच बटा ए की घात माइनस एक बटा एच प्लस ए की घात एक बटा एच। और फिर अनिर्धारित रूप को खत्म करने के लिए अंश और हर में हम ए की घात एक बटा एच का यदि भाग देंगे तो आपको फिर मान प्राप्त हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच की जगह तो एच आ गया, इसमें जब ए की घात एक बटा एच का भाग देंगे तो पहले आपको बताया था उसी प्रकार ये मान माइनस दो बटा एच, तो यहाँ मान हो जाएगा ए की घात माइनस दो बटा एच, इसमें भाग दोगे तो मान हो गया एक बटा, ऐसे यहाँ हो जाएगा ए की घात माइनस दो बटा एच, ये मान हो जाएगा प्लस एक। और चूंकि लिमिट एच टेंस टू जीरो ए की जीरो होता है तो इसकी जगह जीरो रखेंगे तो यहां मान हो गया जीरो आगा, तो ये मान जीरो। तो हमने इसके दाएं अवकलज का मान जीरो निकाला था, बाएं अवकलज का मान भी जीरो आ रहा है, तो चूंकि एफ डे बराबर है एफ डे जीरो माइनस जीरो, तो हम कह सकते हैं दिया गया फलन अक्ष बराबर जीरो पर कैसा फलन है, अवकलनीय फलन है। तो ये जो फलन है ये फलन क्या हो जाएगा, एक अवकलनीय फलन आपको प्राप्त हो गया। इसके बाद आगे एक उदाहरण और है जिसके अंदर एक मापांक फलन दे रखा है अपन को, कि एक मापांक फलन दे रखा है और उस मापांक फलन को यदि अपन जांच करें कि जैसे उस मापांक फलन से पहले एक एग्जाम उसके बाद मापांक फलन अपन हल करेंगे, कि एग्जाम्पल नंबर 13 के अंदर आपको दे रखा है कि एग्जाम्पल नंबर 13 जहां एक फलन दे रखा है हमें एफ एक्स बराबर e की घात माइनस एक बटा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक बटा एक्स जब अक्ष का मान जीरो के बराबर नहीं है और जीरो जब अक्ष का मान जीरो के बराबर है। हमें इस फलन के अक्ष बराबर जीरो पर अवकलनीयता की जांच करनी है, तो अक्ष की अवकलनीयता की जांच करें सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे हम, अक्ष बराबर जीरो पे फलन का मान जो क्या होगा एफ जीरो, और एफ जीरो का मान आपको दे रहे मान कितना जीरो, तो अक्ष बराबर जीरो पे फलन का मान जीरो तो एफ जीरो का मान आपका जीरो हो गया। इसके बाद हम इसके दाएं अवकलज का मान ज्ञात करें जो होगा एफ डेस जीरो प्लस जीरो बराबर होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो बटा एच। एफ जीरो प्लस एच के लिए क्या करेंगे, बट इसके लिए हम दिए गए फलन में जहां भी अक्ष है उस अक्ष की जगह क्या रखेंगे एच रखेंगे, और अक्ष की जगह जब अपन एच रखेंगे तो ये मान हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो e की घात माइनस एक बटा एच स्क्वायर इंटू साइन एक बटा एच, एफ जीरो का जो मान है वो कितना जीरो आपके पास, और बटा हर में मान कितना है एच।
अब यहाँ ये मान तो जीरो हो गया, इसके बाद ये जो बचा हुआ मान है, इस बचे हुए मान में इसको यदि हम हर में लाएंगे तो ये धनात्मक घात के रूप में चेंज होगा, तो बराबर ये मान आपका हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एक बटा एच इंटू ई की घात एक बटा एच स्क्वायर। अब इस ई की घात एक बटा एच स्क्वायर का हम ई की घात अक्ष के रूप में प्रसार कर दें कि ई की घात अक्ष बराबर होता है एक प्लस अक्ष स्क्वायर बटे फैक्टोरियल दो प्लस उच्च घात के पद, और आपके पास अक्ष की जगह मान कितना यहाँ पर एक बटा एच स्क्वायर है, तो इसका जब आप प्रसार करेंगे तो दाएं अवकलज का मान होगा एफ डे जीरो प्लस जीरो बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एक बटा एच, तो ऐसा कैसा गया आपका हर में ये एच भी ऐसा कैसा गया। और अब यहाँ इसका प्रसार करेंगे तो एक प्लस अक्ष, अक्ष की जगह मान है एक बटा एच स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर, तो एक बटा एच स्क्वायर का स्क्वायर बटा फैक्टोरियल दो प्लस उच्च घात के पद। एच को यदि अपन अंदर गुणा कर दें तो बराबर यहाँ तो साइन एक बटा एच है, ये तो क्या जाएगा माइनस वन और प्लस वन के मध्य कोई मान हो गया आपका, और ये जो मान है आपका मान कितना हो जाएगा, ये मान आपका अनंत हो जाएगा, और एक बटा अनंत बराबर क्या होता है जीरो, तो जीरो इंटू माइनस वन और प्लस वन के मध्य कोई मान आया, और अगर किसी भी मान को हम जीरो से गुणा करेंगे तो वो मान आपको क्या प्राप्त हो जाएगा जीरो, तो ये जो मान आपका वो मान क्या होगा जीरो। तो दाएं अवकलज का जो मान है आपको वो जीरो प्राप्त हो गया। अब दाएं अवकलज जब हमने जीरो प्राप्त कर लिया तो हम इसके बाएं अवकलज का मान ज्ञात करें, तो बायां जो अवकलज है इसका वो होगा एफ डेस जीरो माइनस जीरो बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच जीरो बटा माइनस एच। तो अब इस एफ जीरो माइनस एच के लिए अपन क्या करेंगे, दिए गए फलन में अक्ष की जगह माइनस एच रखें, तो अक्ष की जगह जब माइनस एच रखेंगे ये मान हो जाएगा ई की घात माइनस एक बटा एच स्क्वायर साइन माइनस एक बटा एच, एफ जीरो का मान जीरो हो जाएगा बटा माइनस एच, तो बराबर आपको मान प्राप्त हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो ये मान हो गया ई की घात माइनस एक बटा एच स्क्वायर इंटू साइन माइनस एक बटा एच, एफ जीरो का मान आपके पास जीरो है और बटा माइनस का एच, या बराबर ये मान हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो ई की घात माइनस एक बटा एच स्क्वायर इंटू साइन एक बटा एच, साइन माइनस साइन थीटा तो माइनस निशान आएगा, माइनस निशान ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और अब इसको इसी प्रकार से जैसे हमने दायां अवकलज निकाला था उसी प्रकार से इसको फिर आगे हल कर लें, तो आगे हल करने के लिए इसको लिमिट है एच टेंस टू जीरो साइन एक बटा एच तो यहाँ रख लो, और ये जो ई की घात है इसको नीचे ले जाओ तो प्लस की हो जाएगी ई की घात एक बटा एच स्क्वायर। के बाद इसका दायां अवकलज की तरह एक ही घात एक बटा एच स्क्वायर का यहाँ प्रसार कर लो, और प्रसार करने के बाद इसका मान तो आपको अनंत प्राप्त होगा, और अनंत ये प्राप्त होगा एक बटा अनंत जीरो होगा, तो जीरो इंटू माइनस वन और प्लस वन के मध्य कोई मान, और जब ये दोनों मान गुणा होंगे तो इसका मान क्या जाएगा जीरो, तो बाएं अवकलज का मान भी जीरो आ रहा है, जीरो प्लस जीरो का मान और एफ डे जीरो माइनस जीरो का जो मान वो है और समान है, तो दिया गया फलन अक्ष बराबर जीरो पर एक अवकलनीय फलन है, तो दिया गया जो फलन है वो क्या होगा एक अवकलनीय फलन आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद इसके अंदर एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर आपको ए और बी के मान आपको ज्ञात करने हैं, उस एग्जाम्पल के अंदर ए बी के मान यदि आप ज्ञात करें, यदि वो फलन संतत एक संतत है, फिर एक एग्जाम्पल और है छठ और है इसके अंदर जिसमें एक फलन हमें दिया गया है ए बी के मान या जबकि वो किसी अंतराल के अंदर एक संतत फलन है, कि छठा एग्जाम्पल है कि एक फलन एफ अक्ष बराबर ए अक्ष तीन जब अक्ष लेस देन इक्वल टू चार हो, तीन जब अक्ष लेस देन इक्वल टू चार हो, ए अक्ष प्लस बी जब चार लेस देन अक्ष लेस देन छः हो, और इसी प्रकार से एफ अक्ष का मान सात है जब अक्ष ग्रेटर देन इक्वल टू छः हो। यदि ये फलन अंतराल चार छः में संतत है तो हमें ज्ञात करने हैं, तो सबसे पहले हम एफ ऑफ चार का मान निकालें, तो एफ ऑफ चार का मान आपको दे रखा है यहाँ पे तीन, इसके बाद
हम एफ चार पर दाई सीमा का अक्ष बराबर चार पर दाई सीमा का मान निकाल लें, एफ चार प्लस जीरो बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ चार प्लस एच, या बराबर ये मान हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो यदि हम में अक्ष की जगह चार प्लस एच यदि रख दें तो ये मान होगा ए इंटू अक्ष की जगह चार प्लस एच प्लस बी। और यहाँ यदि एच टेंस टू जीरो इस एच को यदि अपन नेगलेक्ट करेंगे तो चार गुना होगा किससे, ए से। यहाँ क्या मान प्राप्त होगा आपको, चार ए और आगे मान के आपके पास बी, तो बराबर ये मान हो जाएगा चार ए प्लस बी। एक फलन समवृत्त अंतराल ए बी में संतत फलन कहलाता है यदि वो अक्ष बराबर ए पर दाई तरफ से संतत हो, अक्ष बराबर बी पर बाई तरफ से संतत हो। तो अगर ये समवृत्त अंतराल में संतत फलन है तो अक्ष बराबर चार पर ये दाई तरफ से संतत होगा, और दाई तरफ से संतत फलन कब होता है, जब उस बिंदु पर फलन का मान और दाई सीमा का मान समान हो। चूँकि ये फलन अक्ष बराबर चार पर दाई तरफ से संतत है, और अगर दाई तरफ से संतत है तो एफ चार का मान और एफ चार प्लस जीरो का मान समान होगा। तो एफ चार का मान तो तीन है आपके पास, एफ जीरो का मान आपने निकाला चार ए प्लस बी, तो चार ए प्लस बी बराबर तीन, इसको दे दो आप समीकरण नंबर एक। इसके बाद ये अक्ष बराबर छः पर बाई तरफ से संतत होगा, और बाई तरफ से संतत है तो एक तो हम एफ छः का मान निकाल लें, एफ छः का मान दे रखा आपको सात, एक हम इसकी बाई सीमा निकाल लें एफ छः माइनस जीरो बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ छः माइनस एच। इस एफ छः माइनस एच के लिए हम दिए गए फलन में अक्ष की जगह छः माइनस एच यदि रखें तो बराबर ये मान हो जाएगा बी, एच को यदि आप नेगलेक्ट करेंगे छः ए से गुणा होगा तो यह माना जाएगा छः ए प्लस बी। और चूंकि ये अक्ष बराबर छः पर बाई तरफ से संतत है, बाई तरफ से संतत कब होता है, जब उस बिंदु पर बाई सीमा का मान और फलन का मान समान हो, तो यहाँ एफ छः का मान और एफ छः माइनस जीरो का मान समान होगा। तो एफ छः का मान तो सात आपके पास, एफ छः माइनस जीरो का मान छः ए प्लस बी है, तो छः ए प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा सात, और इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर दो। अब समीकरण एक और दो को अपन हल करें, और इन दोनों को हल करके अपन मान ज्ञात करेंगे ए और बी का। तो इन समीकरणों को हल करने के लिए समीकरण दो में से एक को घटा दो, कि समीकरण दो में से समीकरण एक को घटा दिया, घटाएंगे तो यहाँ ये छः ए है, इस छः ए में से चार ए घटाएंगे तो मान कितना आ जाएगा दो ए। इसी प्रकार से इस बी में से इस बी को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा जीरो, और दाई तरफ इस सात में से तीन को यदि घटाएंगे तो क्या बचेगा चार, तो ए बराबर मान कितना आ गया दो। ये ए का मान आप समीकरण एक में रख दो, तो समीकरण एक से चार गुणा एक की जगह दो प्लस बी बराबर तीन, या आठ प्लस बी बराबर तीन, तो बी बराबर तीन, आठ को उधर ले जाओगे तीन माइनस आठ बराबर मान क्या हो जाएगा पाँच, तो बी का मान तो आपको माइनस पाँच प्राप्त हो जाएगा, और इसी प्रकार ए का जो मान है वो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा दो, तो ए बराबर तो मान दो हो जाएगा और बी बराबर आप तो जाएगा माइनस पाँच। तो ये फलन संतत फलन है यदि है इस के अंदर, तो ए का जो मान है वो दो होगा और बी का जो मान है वो कितना होगा माइनस पाँच आपको प्राप्त होगा। इसके बाद अवकलनीयता के ऊपर एक प्रश्न दे रखा है आपको, जैसे एग्जाम्पल कि 6.2 में तीसरा प्रश्न है जिसमें एक फलन दे रखा है में एफ एक्स बराबर अक्स माइनस वन मापांक अक्स माइनस वन प्लस मापांक अक्स, हमें अक्स बराबर जीरो पर अवकलनीयता की जांच करनी है। तो अवकलनीयता की जांच करने के लिए पहले यदि हम इसको सरलतम रूप में व्यक्त करें, और जब आप इसको सरलतम रूप में व्यक्त करेंगे तो सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए इसमें तीन कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन में क्या होगा कि ये दोनों मान ऋणात्मक होंगे, दूसरी कंडीशन के अंदर ये मान धनात्मक होगा, ये मान ऋणात्मक होगा, और तीसरी कंडीशन के अंदर ये दोनों ही मान क्या होंगे धनात्मक होंगे। तो जब अक्स लेस देन जीरो
अक्स माइनस वन लेस देन जीरो, यानी अक्स का मान जीरो से कम हो और अक्स का मान एक से कम हो, तो यहाँ फलन का जो मान है एफ अक्स बराबर मान आ जाएगा माइनस इंटू अक्स माइनस वन, ये मान माइनस अक्स बराबर होगा माइनस अक्स प्लस वन माइनस अक्स बराबर ये मान आ गया एक माइनस दो अक्स। कब? जब अक्स का मान या तो जीरो से कम है या अक्स का मान एक से कम है, तो जीरो से कम या एक से संतुष्ट कौन सा करेगा कि अगर अक्ष का मान जीरो से कम है तो एक से अपने आप ही कम हो जाएगा, तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, अक्ष लेस देन जीरो। दूसरी कंडीशन के अंदर अक्ष तो जीरो से बड़ा होगा लेकिन अक्ष माइनस वन वो जीरो से छोटा होगा, यानी अक्ष ग्रेटर देन जीरो अक्ष लेस देन वन। तो यहाँ से जो एफ अक्ष का मान आपको मिलेगा ये मान तो आपका प्लस का हो जाएगा, ये कैसा रहेगा माइनस का, तो माइनस इंटू अक्ष माइनस वन प्लस अक्स या बराबर हो जाएगा माइनस से अक्स को गुणा किया माइनस अक्स, माइनस और माइनस को गुणा करेंगे प्लस वन प्लस अक्स, अक्स से अक्स कैंसिल हो गया बराबर मान आ गया एक। कब? जब अक्स का मान जीरो से बड़ा हो अक्स का मान एक से कम हो, तो जीरो लेस देन अक्स लेस देन वन। और तीसरी जो कंडीशन है जब ये दोनों ही मान धनात्मक हों कि अक्स माइनस वन वो जीरो से बड़ा हो अक्स वो जीरो से बड़ा हो, तो अक्स ग्रेटर देन वन अक्स ग्रेटर देन जीरो, और ऐसी स्थिति के अंदर एफ अक्स का जो मान वो क्या हो जाएगा अक्स माइनस वन प्लस अक्स बराबर ये मान हो जाएगा अक्स और अक्स को जोड़ दिया दो अक्स माइनस वन। कब? जब अक्स का मान जीरो से बड़ा है या अक्स का मान एक से बड़ा है, तो यहाँ कंडीशन क्या हो जाएगी, संतुष्ट कौन सा करेगा, अगर एक से बड़ा होगा तो वो जीरो से भी बड़ा हो जाएगा, तो अक्स ग्रेटर देन एक। तो यहाँ ये कह रहा है कि अक्स का मान जीरो से छोटा, यहाँ कह रहा है अक्स का मान जीरो से बड़ा, तो यहाँ पर ये कंडीशन भी तो लगा सकते हैं इक्वल टू, इसी प्रकार यहाँ पर यह कंडीशन लगा दे ग्रेटर देन। तो एफ अक्स का जो पूरा मान आपको तीनों जो मान एक मान आ गया एक माइनस दो अक्स अक्स लेस देन जीरो, एक मान आपको मिल गया ग्रेटर देन इक्वल टू एक, ये फलन का मान हमें प्राप्त हो गया। और ये मान हमें प्राप्त हुआ तो अब हम अक्ष बराबर जीरो पर इसकी अवकलनीयता की जांच करें। तो जब अक्ष बराबर जीरो पर अवकलनीयता की जांच यदि अपन करें, सबसे पहले हम ज्ञात करें एफ ऑफ जीरो का मान, और इसके अंदर आपको ये दे रखा है कि यदि अक्ष का मान जीरो के बराबर है तो फलन का मान कितना है, एक है, तो एफ जीरो का मान एक हो गया। फिर दायां अवकलज ज्ञात करेंगे जो होगा एफ डेस जीरो प्लस जीरो बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो बटा एच, या बराबर ये मान हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो प्लस एच यानी जो मान है वो एच से बड़ा, जीरो से बड़ा हो और जीरो से बड़ा हो तो यहाँ फलन का मान कितना, एक है, तो ये मान एक हो गया आपका। माइनस से एफ जीरो, एफ जीरो का मान आपके पास अक्ष बराबर जीरो पे मान कितना निकाला हमने, एक निकाला है, बटा एच एक माइनस एक बराबर मान क्या हो गया आपके पास, जीरो। फिर बायां अवकलज निकालें एफ डे जीरो माइनस जीरो बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो बटा माइनस एच। अब एफ जीरो माइनस एच यानी मान जीरो से कम और जीरो से कम फलन का मान एक माइनस दो एच है आपके पास, तो बराबर हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एक माइनस दो इंटू माइनस एच, अक्स की जगह रख दिया, एफ जीरो का मान एक है आपके पास तो माइनस एक, और हर में मान है माइनस का एच। ये एक से आपका एक कैंसिल हो गया और यहाँ बराबर मान मिल गया आपको दो एच बटा एच, लिमिट है आपकी एच टेंस टू जीरो, एच से एच भी कैंसिल हो गया बराबर मान कितना आ गया दो। तो चूंकि एफ डेस जीरो प्लस जीरो का मान और एफ डेस जीरो माइनस जीरो का मान समान नहीं है और ये मान समान नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन अक्ष बराबर जीरो पर अवकलनीय नहीं है। तो दिया गया जो फलन है वो अक्ष बराबर जीरो पर अवकलनीय फलन नहीं होगा। थैंक यू, धन्यवाद।